होममेड पनीर बनाने के लिए मैं 2 लीटर दूध ली हूँ। दूध को अच्छी तरह से बॉईल करूँगी। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे तो अच्छी तरह से बॉईल होना चाहिए पनीर बनाने से पहले, तो पनीर अच्छा बनता है और सॉफ्ट बनता है। तो उसको चलाते रहना होगा क्योंकि नीचे दूध बैठ जाता है, तले पर दूध नहीं जमना चाहिए। तो उसको बीच बीच में अच्छी तरह से चलाते रहिए और जब दूध अच्छी तरह से पक जाए तभी हम लोग दूध में 1 चम्मच फिटकरी डालेंगे। तो फिटकरी डालकर हम लोग अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्लेम मीडियम पर ही रहेगा। अच्छी तरह से देखिए यहाँ लम्स बनने लगे हैं। जब लम्स बनने लगे तो आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, बर्नर को बंद कर दीजिए। देखिए यहाँ पर दूध अच्छी तरह से फट गया, पानी अलग, छेना अलग हो गया है। यहाँ पर खूब बढ़िया से चलाकर अब आप एक बर्तन में जाली वाला कोई बर्तन ले लीजिए, उस पर पतला मलमल का कपड़ा लगा लीजिए, वो सबसे अच्छा रहता है। और उसमें पूरा उड़ेल दीजिए पानी के साथ छेना को। अब इस पर हम लोग थोड़ा ठंडा पानी डालकर इसके अंदर का फिटकरी का गंध को निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से आप लोग कपड़े को लिफ्ट कर लीजिए, उठा लीजिए एक साथ। कोई भारी तले का बर्तन ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से लटका दीजिए, आपका पनीर बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से गांठ उसके ऊपर टॉप पे बांध लीजिए, नहीं तो आप कहीं लटका लीजिए। मैं यहाँ टैप पर लटका ले रही हूँ, आधा घंटा के लिए लटका के छोड़ दूँगी। तो जितना पानी निकल जाएगा आपका पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए आधा घंटा हो गया अभी, अब इसको खोलकर हटा लीजिए। यहाँ देखिए तैयार है आपका पनीर। घर का शुद्ध पनीर गाय के दूध से बना हुआ, आप देखिए। आप इसको आलू के जैसा काट कर उपयोग में लाइए, जैसा चाहे वैसे आप इसका उपयोग कीजिए। ये देखिए इतना सुंदर 2 लीटर दूध निकला हुआ पनीर है। आप इसको अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहे वैसा आकार देकर काट लीजिए। यहाँ देखिए इस तरह से आलू के जैसा मैं इसको काट दे रही हूँ, बड़े बड़े क्यूब्स में। यहाँ देखिए झटपट बनने वाला पनीर आप घर पे बनाइए, खाइए। और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए।